नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा दौसा। आज मैं आपके समक्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में इल्तुतमिश नामक शासक के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 ईस्वी से 1235 ईस्वी तक माना गया है। इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश कहा जाता है, जिसका अभिप्राय है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश के बारे में यह कहा जाता है कि उसने जूद के मैदान में ऐबक के विवादास्पद उत्तराधिकारी आराम शाह को पराजित कर सत्ता हासिल की थी। वह तुर्किस्तान की इलबारी जाति से संबंधित था तथा उसके द्वारा जो वंश स्थापित किया गया उसे शमसी वंश के रूप में जाना जाता है। सुल्तान बनने से पूर्व वह गौरी तथा ऐबक की सेना में काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुका था, जैसे ऐबक के काल में आमिर आखूर तथा ग्वालियर और बरान के प्रशासक के रूप में भी वह कार्य कर चुका था। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इल्तुतमिश ने अनियमित रूप से गद्दी हड़प ली थी, लेकिन इस्लामी कानून के अनुसार योग्यतम व्यक्ति ही सत्ता का सही अधिकारी होता है और इस दृष्टि से इल्तुतमिश आराम शाह से अधिक योग्य था। तो यह मानना कि उसने अनियमित रूप से गद्दी हड़पी थी सही प्रतीत नहीं होता है। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि यह भी अपने प्रारंभिक काल में कुतुबुद्दीन की तरह दास था, लेकिन 1205 ईस्वी में जब हिंदू खोखरों के विरुद्ध गौरी का आक्रमण हुआ था, उस समय इसकी योग्यता और बहादुरी से प्रसन्न होकर मोहम्मद गौरी ने इसे दास्ता से मुक्त कर दिया था तथा इसे अमीर उल उमरा की उपाधि से नवाजा था। जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की जिम्मेदारी निभाता है, जब वो गद्दी पर बैठता है, उस समय उसके समक्ष बहुत सारी कठिनाइयां थी, क्योंकि ऐबक की मृत्यु और इल्तुतमिश के सुल्तान बनने के बीच के छोटे से समय में आराम शाह जो गद्दी पर बैठा था, जो ऐबक का उत्तराधिकारी था, उसने प्रशासन की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण से पड़ोसी शासकों की नज़रें दिल्ली पर अधिकार के लिए लगी हुई थी और दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में जो शासक थे वो अपनी स्वतंत्रता घोषित करते जा रहे थे। यदि दिल्ली का प्रत्यक्ष अधिकार उस समय में देखा जाए तो केवल बदायूं और बनारस से लेकर शिवालिक की पहाड़ियों तक रह गया था। कुबाचा, जिस जो ऐबक का भी प्रतिद्वंदी था, ऐबक के समय में भी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, नासुद्दीन कुबाचा, वो सिंध और मुल्तान का स्वतंत्र शासक बन बैठा था और लाहौर पर भी उसने अधिकार कर लिया था। ऐबक की मृत्यु के उपरांत खिलजी सरदार अली मर्दान ने बंगाल की स्वतंत्रता की भी घोषणा कर दी थी। ग्वालियर तथा रणथंबोर के राजपूत शासकों ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और अजमेर और जालौर ने भी वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया था। यानी राजपूत शासक भी अवसर का लाभ उठा करके स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे और वार्षिक कर भेजना बंद कर रहे थे। गजनी का सुल्तान ताजुद्दीन यल्दौज, पिछले अध्याय में जिसके बारे में देखा था, ऐबक के समय में भी वो भारतीय क्षेत्र पर अपना अधिकार का दावा कर रहा था। उसी प्रकार अब पुनः वो अपने वैधानिक अधिकार के दावे को दोहरा रहा था। राज दरबार में जो कुलीन वर्ग या अमीर उमरा वर्ग के लोग थे, वो भी इल्तुतमिश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उसके समक्ष जो कठिनाइयां थी उस पे इसने सबसे पहले ध्यान दिया कि आंतरिक कठिनाइयों को दूर किया जाए।
पहले आंतरिक कठिनाइयों को दूर करके और फिर बाहरी कठिनाइयों पर ध्यान दिया जाए। इस दृष्टि से सबसे पहले उसने जो अमीर उमरा वर्ग या जो उसके साम्राज्य में उसके विरोधी थे उनको जूत के मैदान में एक युद्ध में कुचल दिया और प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत बनवाने के लिए उसने 40 अपने विश्वासपात्र दासों या गुलामों का एक संगठन बनाया जिसे दल चालीसा या 40 गुलामों का दल या तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। कुबाचा को लाहौर से निकालकर इल्तुतमिश ने समस्त पंजाब पर अधिकार कर लिया। 1214 ईस्वी में ख्वारिज्म के सुल्तान शाह मोहम्मद ने यल्दौज को गजनी से मार भगाया था। गजनी वहां से भागकर लाहौर पहुंचता है और थानेश्वर तक पंजाब का क्षेत्र जीत लेता है। 1215 एवं 16 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन यल्दौज को इल्तुतमिश पराजित करता है, बंदी बनाता है और बंदायू भेज देता है जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार कुबाचा को समाप्त करने के लिए 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश पुनः युद्ध करता है, युद्ध में विजयी होता है और लाहौर को अपने राज्य में मिला लेता है। अंततः 1228 ईस्वी में वह कुबाचा को पूर्णतः कुचल देता है या उसका दमन कर देता है और उस समय सिंधु नदी में डूब जाने के कारण कुबाचा की मृत्यु हो जाती है तथा सिंध और मुल्तान का क्षेत्र भी दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है। बंगाल पर अधिकार। बंगाल वह क्षेत्र है वो जो पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के शासकों के लिए सिरदर्द का काम करता है क्योंकि बंगाल से दिल्ली की दूरी बहुत ज़्यादा थी। इस कारण से समय समय पर बंगाल के शासक स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते रहते थे। अली मर्दान को अपदस्त कर बंगाल में स्वतंत्र शासक के रूप में हिमासुद्दीन ऐवाज नामक शासक बैठता है। 1225 ईस्वी में बंगाल और बिहार को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से इल्तुतमिश भारी भरकम सेना लेकर के ऐवाज पर आक्रमण करने जाता है लेकिन ऐवाज बिना युद्ध लड़े ही हार मान लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है। सुल्तान पुनः दिल्ली की ओर लौट आता है और जब वो वापस आता है उस समय पुनः हिमासुद्दीन ऐवाज बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। इल्तुतमिश इस बात से नाराज होकर अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद जो कि अवध का गवर्नर था उसको बंगाल की ओर भेजता है तथा ऐवाज को सबक सिखाने के लिए कहता है। 1226 ईस्वी में महमूद बंगाल पर अधिकार कर लेता है और युद्ध होता है जिसमें बंगाल का शासक मारा जाता है। 1230 ईस्वी में पुनः दिल्ली की सेना बंगाल में भेजनी पड़ती है क्योंकि 1229 ईस्वी में महमूद की मृत्यु के उपरांत बंगाल में पुनः विद्रोह होने लगते हैं। वस्तुतः संपूर्ण दिल्ली सरकार के शासनकाल में बंगाल पर अधिकार अस्थिर और अनिश्चित रहता है। 1227 राजपूत शासकों पर विजय का भी प्रयास इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश राजस्थान विजय के लिए निकलता है। सर्वप्रथम रणथंबोर पर अधिकार करता है, उसके बाद परमारों की राजधानी मंदौर को अपने साम्राज्य में मिलाता है, चौहान राजा उदय सिंह को अपने अधीन करता है तथा अजमेर सांबर और निकटवर्ती जिलों पर दिल्ली का अधिकार हो जाता है। जोधपुर में स्थित नागौर जो कि ऐबक की मृत्यु के उपरांत स्वतंत्र हो गया था इल्तुतमिश उस पर भी पुनः अधिकार कर लेता है। 1231 ईस्वी में प्रतिहार राजा मंगलदेव को पराजित कर ग्वालियर पर भी अधिकार कर लेता है। चंदेल राजा विलोकय वर्मन
तुर्की सेना का मुकाबला नहीं कर पाता है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कालिंजर पर भी तुर्कों का अधिकार हो जाता है। इल्तुतमिश स्वयं मेवाड़ की राजधानी नागदा पर आक्रमण करने जाता है, परंतु वहाँ के राजा क्षेत्र सिंह से उसको पराजय मिलती है। सुल्तान ने गुजरात के चालुक्यों पर भी आक्रमण किया, लेकिन वहाँ भी उसको पराजय झेलनी पड़ी। 1234-35 ईस्वी में मालवा पर इल्तुतमिश के द्वारा आक्रमण किया गया। उज्जैन को लौटा, उज्जैन में लूटपाट की इल्तुतमिश की सेना ने, और यही वो समय है जब माना जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भी लूटपाट की जाती है। दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित होने के बाद इल्तुतमिश दोआब क्षेत्र पर ध्यान देता है। दोआब का क्षेत्र वह क्षेत्र है जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और गंगा और जमुना नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश है। यहाँ पर हिंदू विद्रोही सरदार थे जो कि छोटे छोटे क्षेत्र में शासन कर रहे थे। दिल्ली पर अपना अधिकार जैसे ही सुदृढ़ करता है, उसके बाद दोआब के हिंदू विद्रोही सरदारों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। बंदायू, कन्नौज और बनारस को जीत लिया जाता है। कतेहर और उसकी राजधानी अहिछत्र पर भी सुल्तान का अधिकार हो जाता है। सुल्तान के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को स्थानीय जातियों के विरुद्ध कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लड़ाकू लोगों का नेता पिड़थू की जब यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, उसके बाद दोआब क्षेत्र में शांति स्थापित हो पाती है। मंगोल नीति, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी सामान्यतः इस पर प्रश्न बनते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही सर्वप्रथम तिमुचिन उर्फ चंगेज खान भारतीय क्षेत्र में उपस्थित होता है। 1221 ईस्वी में वो सिंधु नदी के तट पर उपस्थित होता है। मंगोलों ने ख्वारिज्म के साम्राज्य का दमन कर दिया था और वहां का जो शासक था वो कैस्पियन सागर की ओर भाग गया। उसका युवराज जियाउद्दीन मकबरनी भागकर पंजाब आ जाता है और हिंदू खोखरों की सहायता से सिंधु मुल्तान तथा उत्तर पश्चिमी पंजाब पर अधिकार कर लेता है और इल्तुतमिश से राजनीतिक शरण की मांग करता है। लेकिन इल्तुतमिश ने इस समय दूरदर्शिता का परिचय दिया। वह मंगोल जैसे शक्तिशाली शासक से लोहा नहीं लेना चाहता था और वह यह भी नहीं चाहता था कि तुर्की साम्राज्य जो है मध्य एशिया की राजनीति में उलझे, इसलिए उसने मकबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया और मंगोल नेता तिमुचिन उर्फ चंगेज खान ने भी तटस्थ सीमा का उल्लंघन किया और वो भारतीय क्षेत्र में नहीं बढ़ा और पुनः अफगानिस्तान लौट गया। इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश वह शासक था जिसने भारतीय क्षेत्रों को मंगोल शासक से लोहा लेने से बचा लिया, नहीं तो भारतीय इतिहास की धारा परिवर्तित हो सकती थी। यदि इल्तुतमिश की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की जाए तो सैनिक उपलब्धियों के अतिरिक्त अनेक उपलब्धियां इल्तुतमिश की मानी जाती हैं। जैसे यह प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी के टंके और तांबे के जीतल इसके द्वारा जारी किए गए और चांदी के टंके का वजन 175 ग्राम होता था। सिक्कों पर सुल्तान के साथ साथ खलीफा जो कि धार्मिक गुरु था उसका भी नाम अंकित मिलता है। इल्तुतमिश वह सुल्तान था जिसने फरवरी 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुस्तसिर बिल्ला से खिलत प्राप्त की थी। इस प्रकार उसने अपने साम्राज्य को धार्मिक और राजनीतिक मान्यता प्रदान करने की कोशिश की, जिससे जो धर्मांध या कट्टर मुस्लिम वर्ग है वो उसके साथ बना रहे। जो खिलत उसने प्राप्त की है वो एक तरह की पोशाक होती थी जो कि धार्मिक गुरु के द्वारा जिसे दी जाती थी उसे सुल्तान को सुल्तान के रूप में वैधानिक मान्यता मिल जाती थी। इल्तुतमिश वह व्यक्ति है जिसने सर्वप्रथम प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली।
इक्तेदारी प्रथा तथा तुर्कान ए चियलगानी संगठन की स्थापना की। इक्तेदारी प्रथा से अभिप्राय था कि अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया और प्रत्येक क्षेत्र का एक इक्तेदार बना दिया जो क्षेत्र से राजस्व वसूली और अन्य कानून व्यवस्था वगैरह के लिए जिम्मेदार होता था। और तुर्कान ए चियलगानी के बारे में हमने पूर्व में चर्चा की है। यह 40 विश्वासपात्र गुलामों का संगठन था जो कि प्रशासनिक दृष्टि से इल्तुतमिश को सहयोग किया करता था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश, जिसने वंशानुगत उत्तराधिकार की परंपरा स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसने अपने पुत्रों के जीवित होते हुए भी अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसका सबसे बड़ा पुत्र नासिरुद्दीन महमूद, जो योग्य पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात इसने अपने अन्य पुत्रों को अयोग्य मानते हुए अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो ये प्रथम शासक था जिसने वंशानुगत उत्तराधिकार की परंपरा को स्थापित करने का प्रयत्न किया। 1231-32 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया। पूर्व अध्याय में हमने देखा था कि कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन वो एक मंजिल ही बना पाया था, उसको पूर्ण नहीं करवा पाया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है और ये 1231-32 ईस्वी में कराया गया। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की स्मृति में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था। भारतीय क्षेत्र में मकबरा बनाने का ये पहला उदाहरण है। मकबरा शैली का प्रथम उदाहरण माना जाता है। बंदायूं में जामा मस्जिद, जोधपुर में अतारकिन का दरवाज़ा तथा दिल्ली में मदरसा ए मोजी का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया, जो स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतें हैं। इल्तुतमिश द्वारा साम्राज्य निर्माण के प्रयासों के आधार पर यह कहा जाता है कि इल्तुतमिश तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। हालांकि हमने पूर्व में बताया था कि तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन क्योंकि उसका समय अधिकांश समय युद्धों में बीत गया था, तो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कुछ विशेष नहीं कर पाया था। इसीलिए इल्तुतमिश को ये माना जाता है कि तुर्की साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है भारतीय क्षेत्रों में, वो इल्तुतमिश है। अपने अंतिम समय में सुल्तान बामियान पर आक्रमण करने जा रहा था, लेकिन मार्ग में बीमार पड़ गया और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत दिल्ली में इल्तुतमिश को दफनाया गया। धन्यवाद।